हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज कॉमर्स का क्विज नंबर 8 डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज एचआर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज द फॉलोइंग आर द की कॉम्पोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोग्राम। यहाँ पे कौन से की कॉम्पोनेंट है एक बिजनेस प्रोसेस को जब आप री इंजीनियर प्रोग्राम कर रहे हो बिजनेस में, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट री इंजीनियरिंग जब आप प्रोसेस को री इंजीनियर कर रही है तब हेल्प करता है। सर्विसेज डिलीवरी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे एक जो है री इंजीनियरिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो फर्स्ट इज डिफाइन द आउटकम्स कि क्या आपका जो है आउटकम्स आया। फिर डिफाइन द करंट स्टेट, करंट स्टेट क्या है उसको डिफाइन करती है। आइडेंटिफाई गैप्स, क्या क्या गैप्स थे, किस वजह से जो है आपके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो वो आइडेंटिफाई करता है गैप्स को। सिलेक्ट टेस्ट केस, टेस्ट केस को सिलेक्ट करता है। टेस्ट हाइपोथेसिस सिलेक्ट करता है। इंप्लीमेंट करता है न्यू प्रोसेस को। इवैल्यूएट करता है परफॉर्मेंस को। ठीक है, लास्ट में हमेशा परफॉर्मेंस ही मेजर की जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है कॉम्पोनेंट्स है बिजनेस प्रोसेस के री इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तो ऑल ऑफ अबव कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है, सर्विस डिलीवरी की जाती है, कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। नेक्स्ट इज द एक्चुअल अचीवमेंट्स कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इज कि वो कौन सा जो है कौन सी जो है टाइप है एक्चुअल अचीवमेंट्स कंपेयर की जाती है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब कि क्या जॉब का ऑब्जेक्टिव्स था, क्या उसने जॉब के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो अचीवमेंट करी है या नहीं करी है। तो जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, यहाँ पे जॉब परफॉर्मेंस में क्या होता है, प्रोसीजरल नॉलेज एंड स्किल्स, मोटिवेशन एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये एक चार्ट है। मतलब जॉब परफॉर्मेंस कि किस तरह से आपने जॉब को परफॉर्म किया है, क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव किया है या नहीं किया है, तो ये आपका चेक किया जाता है इन द जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर कंसर्न विद डेवलपिंग ए पूल ऑफ कैंडिडेट। पूल ऑफ कैंडिडेट, जहाँ पे पूल ऑफ कैंडिडेट आ जाए दैट्स मीन रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। इन लाइन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान, तो कंसर्न विद डेवलपिंग जहाँ पे जो है पूल ऑफ कैंडिडेट्स होता है, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो एक ये जो है एक कौन सा प्रोसेस होता है, एक तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले कैसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जॉब रिक्वायरमेंट की, क्योंकि जॉब एक रिक्रूटमेंट एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो रहा है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट्स है। अंडरस्टैंडिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स, क्या वहाँ पे 20% की नीड है या सिर्फ 1% की नीड है, उसके लिए आप रिक्रूटमेंट करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स, अब अगर एक जॉब के लिए आपको जो है सिलेक्ट करना है बट आपके पास 20% जो है लोगों ने अप्लाई कर दिया है, 20 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो आप वहां पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। जॉब डिजाइन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप जो उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर इंटरव्यू एंड सिलेक्टिंग प्रोसेस, अब आपने अगर 20 में से 10 को भी सिलेक्ट कर लिया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया है, फिर वहां पे इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस कि कुछ लोगों को वहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, जो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वहां पे। फिर नेगोशिएशन में जो है आपकी यहाँ पे कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है, वहां पे उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो डेट इज नेगोशिएशन। फिर फाइनल प्लेसमेंट, जब आपने यहाँ पे सिर्फ जो है एक पर्सन को चूज करा, उसको नेगोशिएशन के बेस पे देन उसकी फाइनल प्लेसमेंट की जाती है, इंडक्शन किया जाता है उसको, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाती है हर एक चीज, तो डेट इज इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन को उन्होंने चूज कर लिया, तो ऑल दीज आर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे पहले जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर शॉर्टलिस्ट करना कैंडिडेट्स को, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस, नेगोशिएशन, फाइनल प्लेसमेंट, यहाँ पे आप जो है कंपनसेशन भी कर सकते हैं कि कंपनसेशन उनका डिसाइड करना, फाइनल प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। तो जहां पे पूल ऑफ कैंडिडेट की बात आई दैट इज रिक्रूटमेंट। मेजोरिटी ऑफ डिस्प्यूट्स इन इंडस्ट्री आर रिलेटेड, अगर जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, क्या वो वेजेस की वजह से, मतलब एक तरह से डिससैटिस्फाइड
रहते हैं जो पर्सन, वो उनमें ही कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट्स इसी वजह से रहते हैं। तो वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए या बेनिफिट्स के बारे या ऑल ऑफ अबव, तो किसी के पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है कि कौन किस वजह से जो है डिस्प्यूट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है, किस वजह से जो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों डिससैटिस्फाइड है वहाँ के लोग। तो कुछ के वेजेस हो सकता है, सैलरीज हो सकती है और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो प्रोवाइड करती है उस वजह से जो है इंडस्ट्री में डिस्प्यूट रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। Next is, in an organization initiating career planning, the career path model would essentially form the basis for. यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करता है कि करियर की प्लानिंग के बारे में, करियर पाथ मॉडल, तो वो किस बेस पे डिपेंड करते हैं, क्या वो प्लेसमेंट के लिए, ट्रांसफर के लिए, रोटेशन के लिए? तो ये ऑल ऑफ अबव इज द आंसर, बिकॉज ये सारे जो है आपके करियर की प्लानिंग के लिए है। प्लेसमेंट करना, ट्रांसफर करना, रोटेशन करना, तो ये सब जो है आपके करियर को डेवलप करता है और करियर पाथ मॉडल वुड असेंशियली फॉर्म द बेसिस फॉर। तो ये ऑल ऑफ द अबव कि ट्रांसफर भी उसमें आता है, प्लेसमेंट भी। प्लेसमेंट जब आपको जो है हायर पोजिशन पे भेज दिया जाता है, आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है। ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, ताकि आपके रोल को चेंज कर दिया जाए। रोटेशन मतलब आपके जो है हर एक डिपार्टमेंट में आपको जो है भेजा जा रहा है, सो डैट आपकी जो है डेवलपमेंट हो जाए, आपको हर एक डिपार्टमेंट का काम आ जाए। तो रोटेशन करना, रोटेट करना, ठीक है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा चेंज करना। इस केस में जो है रोटेशन में आपकी सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज सेक्शन डैश, कौन सा सेक्शन है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये एक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो इसको स्किप नहीं करना। स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉयर शुड ओनली रिट्रेंच एम्प्लॉयज हु हैव बीन मोस्ट रिसेंटली हायर्ड। तो ये कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन नंबर 25G। तो 25G बताता है कि एम्प्लॉयर शुड ओनली रिट्रेंच एम्प्लॉय हु हैव नॉट मोस्टली रिसेंटली हायर। जो अब तक हायर नहीं किया गया तो वो कौन सा एम्प्लॉय होता है? रिट्रेंच एम्प्लॉय। तो 25G में ये आता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान इज सेट फॉर एम्प्लॉय बाय हिज इमीडिएट बॉस। तो इसका आंसर इज कि परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान सेट किए गए हैं एम्प्लॉय के, उसके जो इमीडिएट बॉस है उसने। तो आंसर इज इमीडिएट बॉस। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सेट टू बी कॉस्टली अफेयर। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमने पढ़ लिया, रिक्रूटमेंट के जो है टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज आप किस तरह से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, तो इंटरनल सोर्स होता है एंड एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स। इंटरनल मतलब इंटरनली जो है आप किसी को हायर पोस्ट पे भेज रहे हो, प्रमोशन पे, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना या डिमोशन करना या रोटेट करना, ये सारे इंटरनल फंक्शन है, तो ये कॉस्टली नहीं होते। बट एक्सटर्नल फंक्शन आर कॉस्टली कि जब आप जो है वेरियस सोर्सेज अडॉप्ट करते हो, बाहर से फ्रेशर को लेके आते हो, तो उसमें जो है पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, डेट इज कॉस्टली अफेयर्स। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज द कॉस्टली अफेयर्स। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो जो है आप स्टडी करने हैं आपको। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ inspections? इंस्पेक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? क्वालिटी प्रोडक्ट, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या ऑल ऑफ अबव। कि अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप किस वजह से इंस्पेक्शन कर रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव, कि सब जो है चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, तो ये सारी जो है क्वालिटीज होनी चाहिए एक प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज लार्ज रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम डैश प्रॉब्लमेटिक एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज जो है एनोय ऑफ द अबव, मैंने जो है इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो मोर और लेस में से जो है मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स को जो है आंसर यहाँ पे देना है। तो आई हैवंट मेंशन एनी आंसर्स। यहाँ पे ये क्विज खत्म होती है, तो मुझे बताना कि आपको क्विज का सेक्शन कैसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।